दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूं उस जगह, धरती की उस पवित्र जगह पे, जहां पे कि भगवान राम और वानरी सेना ने राम सेतु का निर्माण किया था। जी हाँ, हम चलते हैं राम सेतु धनुष कौड़ी उस पवित्र जगह को देखने के लिए। तो चलिए चलते। दोस्तों, मैं आपको लेके चल रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ, इस अर्थ का एक हिस्सा है ये, जहाँ पे भगवान राम ने सेतु बनाया था, जिसे राम सेतु के नाम से और धनुष कौड़ी के नाम से जाते हैं। ये रामेश्वरम में ये है वो नज़ारा समंदर का। चलते हैं, देख सकते हो ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा ये है, यहाँ पे समंदर, इस तरफ समंदर और ये बीच में रोड, ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण किया था। और ये भारत का सबसे आखिरी कह सकते हैं, ये धरती है सबसे आखिरी, लास्ट पॉइंट धरती या रोड कह सकते हो आप। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हम आ चुके हैं, हरिचल मुनई, ये इस गांव का नाम है और भारत का ये सबसे आखिरी रोड है यहाँ का कह सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ओशन है, दिस वन इज द बे ऑफ बंगाल यहाँ पे, और ठीक मेरे इस तरफ आप देखोगे तो ये है इंडियन ओशन। सो इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल दोनों है। आगे चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आप समझिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे राइट साइड आप देखोगे तो ये है बे ऑफ इंडियन ओशन है, राइट साइड इंडियन ओशन, और ये लेफ्ट साइड देखोगे तो दिस इज द बे ऑफ बंगाल, और सामने ये श्रीलंका। और ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे हिंदुस्तान की ये रोड खत्म होती है, दिस इज द लास्ट पॉइंट, और ये सेतु यानी कि ब्रिज जो भगवान राम ने बनाया था, मैं आपको एरियल व्यू भी दिखाऊंगा, ड्रोन व्यू आगे, ये वो सेतु है जहाँ से कि सेतु कहते हैं कि भगवान राम और वानर सेना ने मिलके बनाए थे इस जगह पे। और मैं आगे चलता हूँ अच्छे से समझा। दोस्तों, ये है धनुष कौड़ी, हिंदुस्तान का वो आखिरी कह सकते हैं कि द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। और यहीं पे जब भगवान राम ने वानर सेना के साथ में श्रीलंका पे, रावण पे जब चढ़ाई करनी थी, तो यहीं से सेतु का निर्माण किया, फ्लोटिंग स्टोन, जिसे बाद में विभीषण के कहने पे, विभीषण जी ने जब आग्रह किया भगवान राम से कि इस पुल को अपने बाण से इसे तोड़ दें ताकि श्रीलंका और जो एक सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए, तब भगवान ने इसे अपने धनुष से इसे तोड़ा बाण से द्वारा, तब से ये धनुष कौड़ी के नाम से जानना जाना। तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हुआ समंदर, इस तरफ हमारा इंडियन ओशन और इस तरफ बे ऑफ बंगाल आप देख सकते हो, ये दो समुद्र का यहाँ पे मिलना है। और ये हिंदुस्तान की, भारत की कह सकते हैं आखिरी रोड है, ऑफिशियली ये यहाँ पे आके खत्म हो रहा है और इसके आगे फिर ये सी शुरुआत हो रही है। और यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर पे श्रीलंका। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप पत्थर जैसे देख रहे हो, इस प्रकार के पत्थर बहुत पहले जब भगवान राम ने और वानर सेना, जामुन जी, बजरंग बली सब मिलके यहाँ पे। दोस्तों, अब आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक मेरे पीछे ये आपको दिखाई दे रहा होगा जो ब्रिज, जिसे भगवान राम ने अपने बाण से, धनुष बाण से इसे दो टुकड़े में कर दिया, आधा इस तरफ और आधा समुद्र के उस तरफ, क्योंकि यहाँ पे भगवान राम से विनती किया था विभीषण जी ने कि आप इस पुल को अब तोड़ दें क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और सुरक्षा मद्देनज़र रखते हुए, ताकि जैसे कि वो राजा बने थे, राजा राज्य अभिषेक जब उनका हुआ था कि विभीषण अब लंका के राजा होंगे,
तब उन्होंने विनती की थी कि हे प्रभु श्री राम, अब आप इस पुल को जो राम सेतु के नाम से बना हुआ था, अब इसे आप तोड़े। और फिर तोड़ने के बाद फिर ये आधा हिंदुस्तान और आधा श्रीलंका की तरफ, और बीच में आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ ये समुद्र आपको दिखाई देगा। तो बहुत अद्भुत है, जब भी आप आते हो आप इसे देख सकते हैं। और ये हमारे हिंदुस्तान का एक सबसे आखिरी लैंड है जहाँ पे कि आपको ये अद्भुत नज़ारा नज़र आएगा। और यहाँ पे अभी भी वो फ्लोटिंग स्टोन है जिसे आप देख सकते हो। तो आइए और इसका जब भी आपको जीवन में मौका मिले रामेश्वरम आके इसका आनंद जरूर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे इस पल को मैं और भी समेट लेना चाह रहा था। ये एक ऐसा पल था जहाँ पे कि मैं फील कर रहा था कि जब भगवान राम, हनुमान जी, जो इस पृथ्वी पे अभी भी उनकी ऊर्जा जागृत रूप में हम महसूस कर पाते हैं, इन सब मोमेंट्स को फील करते हुए मैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से जाप करते हुए, उस सारे मोमेंट्स को फील करते हुए, अपने शरीर के कण कण में इन लहरों के साथ पूरी तरह से सराबोर होते हुए, पूरी भाव बिहोर होते हुए इस ऊर्जा को महसूस कर रहा था। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कन्याकुमारी, रामेश्वरम से कन्याकुमारी। जैसा अभी आपने देखा, यहाँ पे कन्याकुमारी में बहुत ही अद्भुत सा जगह था वो। और अब चलते हैं हम कन्याकुमारी की तरफ। आप देख सकते हो ये, जिसे आपको बताया, दिस इज द बे ऑफ बंगाल इस तरफ, एंड दिस वन इज द इंडियन ओशन। सो दिस इज व्हाट धनुषकोडी, ये वो जगह है जहाँ पे भगवान श्री राम और वानर सेना ने मिल के पुल को बनाया था। और भारत का कह सकते हैं ये आखिरी धरती का ये रास्ता था जहाँ पे आके वो ख़त्म हुआ, हमने जो देखा। अब लेट्स गो फॉर द कन्याकुमारी। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।